आगामी 1 अक्टूबर को सीनियर सिटीजन डे है, जिसके उपलक्ष्य में महापौर दयाशंकर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएगी इसकी विस्तृत जानकारी दी, जिसमें सीनियर सिटीजन का सम्मान किए जाना प्रमुख है। 75 से ऊपर के ज्येष्ठ नागरिकों के लिए ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें सैन्य, कला, पत्रकारिता, खेल, मेडिकल सेवा और समाज सेवा से जुड़े उल्लेखनीय कार्य करने वाले सीनियर सिटीजन का सम्मान किया जाएगा। साथ ही 1 अक्टूबर के दिन उन्हें निशुल्क बस सेवा, स्नैक्स की व्यवस्था, छत्रपति उद्यान में सूर्य नमस्कार स्पर्धा और इसके साथ ही सुरेश भट्ट सभागृह में गायन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही ये सम्मान समारोह शाम 5 बजे किए जाने की घोषणा महापौर दयाशंकर तिवारी ने की है। जिस माध्यम से इस शहर के वे नागरिक जिन्होंने इस शहर को अच्छा बनाने के लिए, इस शहर के विकास के लिए अपना सर्वस्व दिया है, उनका सत्कार करना यह उसके पीछे का मानस है। यह आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए शहर के 75 नागरिक जो 75 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर चुके हैं, इन नागरिकों का सत्कार किया जाएगा। और इसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का प्राथमिकता से सत्कार किया जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने मिलिट्री में किसी पदक को प्राप्त किया है, उनका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बाद में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके पश्चात क्रीड़ा के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, साथ ही साथ साथ सेवा के क्षेत्र में और वैद्यकीय व्यवसाय में जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको भी, जिन्हें पुरस्कृत किया गया है, उन लोगों को भी सत्कार करने का निर्णय इसके अंतर्गत लिया गया है। इसके अलावा 1 तारीख को नागपुर शहर की हमारी जो बस सेवा संचालित होती है, उस बस सेवा के माध्यम से महानगर पालिका की शहर बस सेवा में जो भी सीनियर सिटीजन अपना कार्ड लेकर के बैठेगा, उस सीनियर सिटीजन को उस 1 अक्टूबर के दिन किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, उसे निशुल्क सेवा उस दिन प्रदान की जाएगी, इस प्रकार का निर्णय भी हमने लिया है। परिवहन विभाग के माध्यम से ही हमारे 10 जोन हैं, हमारी 10 बसें 10 जोन से अलग अलग जगह निकलेगी और यह सारी 10 बसें हमारे सीनियर सिटीजन को नागपुर शहर के जो दर्शनीय स्थल है, जिसमें दीक्षा भूमि है, नागपुर शहर के बगीचे हैं, बगीचे के साथ साथ विवेकानंद स्मारक हैं, इन सारे दर्शनीय स्थलों का दर्शन कराया जाएगा और उनके स्नैक्स की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था भी बस के अंदर महानगर पालिका के माध्यम से की गई है। इसके अलावा छत्रपति उद्यान जो रामनगर का है, वहाँ सीनियर सिटीजन के लिए सुबह के समय में सूर्य नमस्कार स्पर्धा का आयोजन किया गया है, उसमें भी सीनियर सिटीजन भाग ले सकते हैं। सुरेश भट्ट सभागृह में दोपहर 3:30 बजे जो सीनियर सिटीजन कला के क्षेत्र से हैं, उनके लिए गीत गायन का कार्यक्रम है। साथ ही साथ में जो मिमिक्री कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं या फैंसी ड्रेस में आ सकते हैं, उनके लिए वह भी आयोजन 3:30 बजे सुरेश भट्ट सभागृह में किया गया है।